आज हम सबके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद हम एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे, क्या COVID-19 कभी पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगा, और क्या जैसे 2020 से पहले हम बिना मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ किए कहीं भी आ जा सकते थे और किसी से भी मिल सकते थे, क्या वो टाइम वापस आ पाएगा। सो हेलो गाइज, आई एम प्रवीण पवार एंड टूडे आई विल ट्राई टू आंसर द बिगेस्ट क्वेश्चन नावडेज, दैट इज़ Can we be normal again? So stay tuned till the end of the video. Subscribe the channel and press the bell icon to dive into the endless ocean of interesting information. Coronavirus को आए एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है और इस time में इसने पूरी दुनिया पर एक बहुत बुरा असर डाला है। काफ़ी सारे लोगों को अपनी jobs गंवानी पड़ी हैं, काफ़ी सारे लोगों को अपने businesses बंद करने पड़े हैं और काफ़ी सारे लोगों ने अपने family members को भी खोया है। यही नहीं, COVID-19 ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी एक बहुत बुरा असर डाला है जिसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस सब के चलते हम सब के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या COVID-19 कभी ख़त्म हो पाएगा, क्या हम सब एक नॉर्मल ज़िंदगी वापस से जी पाएंगे, और क्या वैक्सीनेशन इसका रास्ता है। वेल, वैक्सीनेशन इज़ द बिगेस्ट वेपन वी हैव अगेंस्ट कोरोनावायरस। कोरोनावायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। एंड थैंकफुली वैक्सीनेशन की प्रोसेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इंडिया में कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का मेजर यूज़ किया गया है और इन दोनों वैक्सीन्स के अंदर ही हमें दो डोज लेनी होती है और दोनों डोजेस के बीच में 84 डेज का गैप करना होता है, और सेकेंड डोज लेने के 2 वीक्स बाद ही हमें COVID-19 वैक्सीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल पाती है जो कि है 80-90%। यानी कि दोनों डोजेस लेने के बीच में और सेकेंड डोज लेने के 2 वीक बाद तक भी हमें मास्क और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज़ करना है और अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि तभी हम COVID-19 के इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी भी गेन कर पाएंगे COVID-19 वैक्सीन की, जो कि है 80-90%। 80% से 90% एफिशिएंसी होने का मतलब है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस सिर्फ 0.3-0.4% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर पाएगा। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच जाएगी और सिर्फ 0.3-0.4% पॉपुलेशन ही इससे इन्फेक्ट हो पाएगी, और इस पॉपुलेशन के अंदर भी कोरोना वायरस कोई स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाएगा और सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन के सिम्टम्स ही शो करेगा, जिसको भी हम अपने घर पर ही आसानी से ट्रीट कर पाएंगे। कोविड वैक्सीन की एफिशिएंसी कम होने का रीज़न है कि इसे बढ़ते हुए इन्फेक्शंस को रोकने के लिए और डेथ रेट को डिक्रीज करने के लिए जल्दबाजी में बनाया गया है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आएगी और हम 100% एफिशिएंसी भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन हमें नए नए क्योर्स को ढूंढते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस भी काफ़ी जल्दी म्यूटेट करता है और चाइना में अब तक इसके 24 से भी ज़्यादा स्ट्रेन मिल चुके हैं। तो इस सबसे यही पता चलता है कि वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा तरीका है कोरोना वायरस से बचने का, और साथ साथ हमें ऐसी वैक्सीन भी डेवलप करनी पड़ेगी जो कोरोना वायरस के सभी स्ट्रेन्स के लिए इफ़ेक्टिव हो, तभी हम इस COVID-19 के बैटल में जीत पाएंगे, वरना कोरोना वायरस का हमारी ह्यूमन स्पीसीज पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, लेट्स एम फॉर 30 लाइक्स ओनली। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and subscribe the channel. I will see you in the next video. Till then, have a great day and be safe.